आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 15 इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है। यहाँ पे चार प्रकार के शक्ति संयंत्र का नाम दिया हुआ है। इन चारों में से पूछा गया है किन शक्ति संयंत्र का मतलब जनरेटिंग पावर स्टेशन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए में बोला गया है डीजल आधारित मतलब डीजल पावर प्लांट, ऑप्शन बी में पवन आधारित, ऑप्शन सी में कोयला आधारित और ऑप्शन डी में ज्वारीय ऊर्जा आधारित। वर्तमान समय में कोयला आधारित शक्ति संयंत्र का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोयला आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादक संयंत्र किस क्षमता में बनाए जाते हैं। नॉर्मली जो डीजल पावर जनरेटिंग स्टेशन है उनकी क्षमता क्या होता है, ये प्रश्न में ऑप्शन ए में बोला गया है 0.5 से लेकर 2 के वी, ऑप्शन बी में 1 से लेकर 5 के वी, ऑप्शन सी में 0.5 के वी से लेकर 100 के वी और ऑप्शन डी में 100 के वी से लेकर 10,000 के वी है। सामान्यतः जो डीजल विद्युत शक्ति संयंत्र लगभग 0.5 से लेकर 100 के वी के बीच में होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ये प्रश्न है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए में बोला गया ईंधक, ऑप्शन बी में शीतलक, ऑप्शन सी में मंदक और ऑप्शन डी में इलेक्ट्रोड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंदक। परमाणु शक्ति संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में परावर्तक किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी स्टील और ऑप्शन डी बोरोन। परमाणु रिएक्टर में परावर्तक बेरिलियम के बने होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का दहन और ऑप्शन डी यूरेनियम का दहन। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अत्यधिक उपयोगी एवं प्रचलित है। कौन से ऊर्जा स्रोत अत्यधिक उपयोगी एवं प्रचलित है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सूर्य ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वार ऊर्जा और ऑप्शन डी बायोगैस ऊर्जा। इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रयोग और प्रचलन सौर ऊर्जा का है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है। ऑप्शन ए 24,000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 12,000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 36,000 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 6,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का लगभग तापमान 6,000 डिग्री होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में प्रयुक्त की जाने वाली सलरी का पीएच स्तर कितना होता है। बायोगैस में जो सलरी का प्रयोग किया जाता है उसका पीएच मान क्या होता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है 2.5 से लेकर 3.5 तक, ऑप्शन बी में 4.5 से लेकर 5.5 तक, ऑप्शन सी में 6.5 से लेकर 8.5 तक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बायोगैस में प्रयुक्त की जाने वाली सलरी का पीएच मान लगभग 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो हाइड्रल ऊर्जा स्रोत की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? ये प्रश्न में है, माइक्रो हाइड्रल ऊर्जा स्रोत की क्षमता अधिकतर कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 किलोवाट, ऑप्शन बी 150 किलोवाट, ऑप्शन सी 180 किलोवाट और ऑप्शन डी 200 किलोवाट। माइक्रो हाइड्रल ऊर्जा स्रोत की क्षमता लगभग लगभग 100 किलोवाट होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयंत्र में भंडार से बॉयलर तक कोयला द्वारा ले जाया जाता है। ऑप्शन ए बाल्टियों, ऑप्शन बी भी वेल्ड, ऑप्शन सी ट्रॉली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संयंत्र में भंडार से बॉयलर तक जो कोयला ले जाया जाता है वो भी वेल्ड के द्वारा लिया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, पल्वराइज कोयला निम्नलिखित में से कौन सा होता है? पल्वराइज कोयला निम्नलिखित में कौन सा होता है, यह प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है धूम रहित कोयला, ऑप्शन बी में बोला गया है राख रहित कोयला, ऑप्शन सी में छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला या ऑप्शन डी देर तक जलाए जाने वाला कोयला। जो पल्वराइज कोयला है इसे मुख्यतः हम छोटे छोटे टुकड़े में टूटा हुआ जो कोयला होता है उसी को हम कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी।